हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। दोस्तों, एक बार फिर से इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी है, और खासकर सिविल इंजीनियर्स के लिए, कि एक नए वैकेंसी नए साल के अवसर पे एक नई वैकेंसी आई हुई है। वो कि कौन सी वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वैकेंसी आ चुकी है। वो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली बात है, क्योंकि एक बार फिर से दूसरी वैकेंसी आ गई है। तो आइए इसका हम लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, भरने से कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज़ अभी हम देखेंगे। और नॉन इंजीनियर्स के लिए भी है यहाँ पे, लेकिन सिविल इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा ही कुछ अच्छा है आजकल, ठीक ठाक चल रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़, जो आपका ये जो बोर्ड है वो दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 है। डेट देखिए, जो पब्लिश हुआ है, जो ये एडवर्टाइजमेंट, जो ये नोटिफिकेशन, वो 1/1/2020, मतलब हैप्पी न्यू ईयर के दिन ही हो गया है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। तो बहुत ही दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा है, ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, अप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी मोड शैल बी स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। अब हम आप जो मेन चीज़ है वो देखते हैं कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है, 7/1/2020 से है, 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, 6/2/2020। इस बीच में आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। देखिए यहाँ पर पोस्ट देखिए, सबसे पहले तो हम अपना सिविल का देखेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पर जो तीसरा नंबर दिख रहा होगा, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड में जो वैकेंसी है, जो डिपार्टमेंट का नाम है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट वो दिल्ली जल बोर्ड है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। पोस्ट कोड जो है वो 3/20 है, 4600 ग्रेड पे का है। आपको पता है कि पीसीएस जो का जो वैकेंसी होता है वो 5400 ग्रेड का होता है, ये 4600 बहुत ही अच्छे, ये भी ग्रेड बहुत मायने रखता है। ग्रुप जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। देखिए अब हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, टोटल जो वैकेंसी है वो 46 है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है, इसमें आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, अनरिजर्व के लिए 20 है, और ओबीसी के लिए 10 है। मतलब कुल मिला के आपका 48 वैकेंसी है सिविल इंजीनियर के लिए। और देखिए जो मेन और जो ज़्यादा में है वो 254 वैकेंसी है, वो किसके लिए है, वो जूनियर क्लर्क के लिए है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डिपार्टमेंट के लिए निकला हुआ है, स्टोर कीपर के लिए निकला हुआ है, जीबी प्लांट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका ये 1 वैकेंसी है टोटल। तो मेनली हम यहाँ पे देख रहे हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 46, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, हम लोग को फोकस करना है, सिविल इंजीनियर्स को फोकस करना, ऑल इंजीनियर्स को फोकस करना है। और देखिए यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट में भी वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री यूनिट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपका 78 दिया हुआ है। तो ये सारा जो पोस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक एक वैकेंसी है। तो मेन जो वैकेंसी है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग का 46, और ये 254 वैकेंसी है जूनियर क्लर्क के लिए। आइए अब देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बीटेक चाहिए कि डिप्लोमा चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का बात करें तो सिर्फ इसमें बीटेक का ही ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे बीटेक ही भरेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ये आपको इस वेबसाइट पे डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन एज लिमिट फी आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा आपका। और आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ये जो स्टोर कीपर के लिए है क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए आपका, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन चाहिए, एक्सपीरियंस नील रहेगा, डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है वो नील रहेगा। तो ये सारा चीज़ है। अब हम अपने सिविल इंजीनियर्स का देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका, सिविल इंजीनियर्स का मतलब 3/2020 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा क्वालिफिकेशन का। तो आइए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल है, देखिए पोस्ट कोड 3/2020, इस ये मेरा फॉर्मेट हो गया, ये अपना जो वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 46 कुल मिला के वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है 46 है। अब पीडब्ल्यूडी का डी का अलग है, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी है, तो मतलब टोटल 46 वैकेंसी है। जो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री चाहिए, मतलब आपका बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और इसका जो ग्रेड पे होगा वो 46
आपका 4600 ग्रेड पे का वैकेंसी है ग्रुप बी का, बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। एज लिमिट क्या होगा आपका, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज जो लिमिट है। और आपको ओबीसी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और भी क्या दिया, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली जल बोर्ड अप टू 5 ईयर्स, दिल्ली जल बोर्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर काम कर रहा है तो। द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर रिक्विजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका मेनली जो है ये चीज़ है, आप इसी चीज़ पे ध्यान दो। और एक जो है हम अब जूनियर क्लर्क के लिए देख लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है तो उसको भी बता ही देते हैं यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जूनियर क्लर्क वाले में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपका सिलेबस के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस होना चाहिए। देखिए 254 वैकेंसी है कुल मिला के, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2, सिर्फ 10+2 होना चाहिए। 10+2 अगर जो किया हुआ है वो जूनियर क्लर्क का फॉर्म भर सकता है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस के बारे में, अपना असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल का सिलेबस है वो क्या रहेगा वो देखते हैं। आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। 2 टायर में एग्जामिनेशन होगा, टायर 1 और टायर 2। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए आपका, ये देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए। ये सारा चीज़ आप पढ़ लेना जाके नोटिफिकेशन में, इसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक इसका दे दिया जाएगा। और देखिए सिविल का वैकेंसी 3/2020 था, टायर 1 और टायर 2 में एग्ज़ाम होगा, और टोटल एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगा इसमें, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पे 200 आपका क्वेश्चन रहेगा, 200 टायर 1 में 200 और 200 इसमें एमसीक्यू 200। तो ये देखते हैं पहला जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू 200 और टोटल मार्क्स दिया हुआ है 200, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है वो 200 रहेगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 100 मार्क्स का आपका जैसे CIL में पूछा था 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी मतलब रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, ये सारा जो चीज़ रहेगा 100 नंबर में रहेगा, 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 20-20 क्वेश्चन रहेगा 20-20 मार्क्स का। और जो 100 नंबर का जो पेपर रहेगा वो सिविल का क्वेश्चन रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपके डिसिप्लिन का क्वेश्चन रहेगा, मतलब 200 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा टायर 1 में। और टायर 2 में क्या रहेगा, एक ही सेशन में एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, और इसमें जो आपको समय मिलेगा 2 घंटा मिलेगा, मतलब सिर्फ 120 मिनट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि सिर्फ आपको 120 मिनट मिल रहा है और आपको ये 200 क्वेश्चन करना है 120 मिनट में, और यहाँ पे आपको 1 सेशन 3 घंटा का एग्ज़ाम है, और डिस्क्रिप्टिव होगा इसमें कुछ जैसे सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, मतलब सिविल का 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन, और दूसरा जो नंबर में इंग्लिश होगा उसमें आपका जैसे आपको SSC CHSL वगैरह में पूछता है इंग्लिश का ऐसे लेटर आपको पूछा जाएगा, ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह का आपका पैटर्न है, तो आप इसको भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रिपेयर हो ही रहा है, आप तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ ही रहे हैं, और अब आपकी अगर नॉन टेक्निकल भी आप कर ही रहे हो तो ये भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए, और आप चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।